आधुनिकता के युग में आप जो सोच भी नहीं सकते वो भी संभव कर पाना मुश्किल नहीं रहा। जी हाँ, क्या आपने कोई ऐसी बारात देखी है जिसमें दूल्हा ना हो? और क्या आपने कोई ऐसी शादी देखी है जिसमें सात फेरे सात समंदर पार विदेश के लिए जा रहे हों और शादी के बाकी रस्में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत में की गई हो? अगर नहीं तो आइए ऐसी ही एक अनोखी शादी की कुछ दिलकश नज़ारे आपको दिखाते हैं जो काफी चर्चाओं में है। अमेरिका में शादी और हरियाणा में शादी की रस्में। ये अनोखी शादी सोनीपत के अमित और करनाल की आशु ने रचाई, जिन्होंने अमेरिका में रहते हुए भी विदेशी जमीन पर परंपरागत हरियाणवी रीति रिवाज को जिंदा रखा और दोनों सात फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध गए। अमित और आशु की शादी की सारी रस्में हरियाणा में टीवी स्क्रीन के माध्यम से पूरी की गईं, जिसमें दूल्हा दुल्हन दोनों के परिवारों ने एकजुट होकर वरवधु को आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, इस शादी को और भी खास बनाने के लिए अमित के परिजनों ने बाकायदा बारात भी निकाली और दुल्हन के घर पर पहुंचकर आतिशबाजियां भी की, मगर इस बारात में ना तो दूल्हा था और न स्वागत के लिए दुल्हन थी। माता जी, क्या नाम आपका? गुड इवनिंग। आपके बेटे की शादी हुई है? शादी हुई बेटा, पढ़ाई के साथ मेरा बेटा अमेरिका गया था। कब गया था आंटी आपका बेटा? 6 साल है जी, 6 साल। तो जो लड़की है आपकी, जो बहू है, कैसे उनसे मुलाकात हुई, कब शादी हुई, कैसे? बेटा कंपनी में लग रहे थे दोनों, कंपनी में बात हो रही थी। तो अब कब शादी हुई आंटी, कहाँ की आपकी बहू? करनाल की बहू है बेटा, 12 फरवरी में सगाई हुई थी। सोनीपत के गांव सांदल खुर्द के रहने वाले अमित लाकड़ा ने 19 मार्च को अमेरिका में करनाल की आशु से शादी रचाई और इधर अमित के परिवार वालों ने करनाल के सेक्टर 12 स्थित लड़की के घर बारात लेकर गए, जहां आतिशबाजियां हुई, डीजे की धुन पर नाच गाने हुए और टीवी स्क्रीन पर शादी की रस्में भी धूमधाम से निभाई गयी। और भाभी भी उसी में रहती थी, वहीं पे उनकी कंपनी थी, कंपनी के थ्रू किसी भी तरह को मुलाकात हुई थी और उनके अच्छे विचार मिल गए, इसलिए फिर हमने यहाँ पे बात करके और अपना रिश्ता पक्का कर दिया था। भाई यूएसए कब गए और कैसे उनकी आपकी भाभी? 2017 में गया था भाई यूएसए, 6 साल हो गए भाई ने यूएसए जाए। जो आपकी भाभी है वो कहाँ की रहने वाली है? करनाल की है भाई, सेक्टर 12। कब उनकी मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात का भाई इतना ज़्यादा तो पता नहीं, पर हमने तो अभी पता चल गया था थोड़े दिन। क्या काम करते हैं आप, आपके भाई क्या काम करते हैं? कंपनी है भाई मेरे, खुद की कंपनी आपके भाई की? तो अब जैसे वो बाहर देश रह रही हैं दोनों, यूएसए में है, तो कैसे शादी की गई? शादी भाई हमारी हरियाणा रीति रिवाज के सारी पूरी की गई है वहाँ भी और यहाँ भी। तो ऑनलाइन उनकी शादी कराई गई है? ऑनलाइन शादी कराई गई भाई, यहाँ पे हमने अपने मुरथल लीला ग्रैंड में हमने अपना वो बैंकेट बुक कर रखा था, वहीं पर टिका हुआ LCD पर 12 फरवरी की सगाई थी हमारे और 19 मार्च की हम बारात। सोनीपत के अमित और करनाल के आशु दोनों अमेरिका में मिले थे, जहां दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, जिसके बाद हरियाणा में लड़का और लड़की के परिजनों ने अमित और आशु की शादी तय कर दी। 2014 में अमित ने मलेशिया में मर्चेंट नेवी में नौकरी की शुरुआत की थी। इसके बाद अलग अलग देशों में नौकरी करने के बाद 2017 में अमेरिका में अपनी कंपनी बनाकर काम कर रहा था। यहीं पर अमित और आशु की मुलाकात हुई थी और अब दोनों सात फेरे लेकर सात जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई हैं। तो आपके ब्रदर कहाँ रहते हैं, कैसे उनकी शादी हुई? फिलहाल वो अमेरिका रहते हैं, यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद 2014 में वो चले गए यहाँ से विदेश, तो वहाँ उन्होंने कहीं जॉब करी अलग अलग जगह पर। उसके बाद 2017 में वो अमेरिका शिफ्ट हो गए, वहाँ पर उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई, जहाँ पर उसकी गुड़िया से मुलाकात हुई। वहाँ पर उन्होंने दोनों आपस में बातचीत करके घर पर बताया, जिससे कि हमने आगे करनाल बात की, तो दोनों में बात बन के और दोनों की शादी ऑनलाइन की गई। अभी तो आपकी भाभी जो रहने वाली है वो कहाँ से बिलोंग? बड़े भाई है मेरे से छोटे भाई में, उनका बड़ा भाई है। जो जिनसे शादी हुई है लड़की से, वो कहाँ की रहने वाली है? वो करनाल की रहने वाली है जी। करनाल की? तो किस तरह से उनकी ऑनलाइन शादी हुई है, परिवार में कैसा माहौल है? बहुत खुशी का माहौल है जी, सारी ऑनलाइन शादी हुई है, स्क्रीन पे ही टिका हुआ है, सगाई भी ऑनलाइन हुई, बारात भी जैसे गई तो ऑनलाइन ही उन्होंने वहाँ पर अपना रीति रिवाज से जो भी है रस्में वो पूरी की। किसी भी शादी में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि दूल्हे के बिना बारात गई और बिना दुल्हन लिए बारात वापस लौट आई, लेकिन फिर भी दोनों परिवारों में खुशी की लहर है, क्योंकि ये शादी अनोखी है और ये शादी जरा हटके है। दरअसल टीवी स्क्रीन पर शादी की रस्में निभाना, बिना दूल्हे के बारात ले जाना, आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर बताएं।
सोनीपत से कपिल शर्मा, पंजाब के सिटी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।